अस्सलाम वालेकुम, हमारे नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए शिराज़ बारबेक्यू, न्यू शिराज़ बारबेक्यू। ये बेसिकली एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू कढ़ाई और देसी फूड्स का रेस्टोरेंट है। और ये गुलशन हदीद में वाकई है, कराची से अप्रॉक्स 36 किलोमीटर्स, अगर आप मेन सदर से चलेंगे तो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पहुँचने के लिए। और सी सेटिंग है वो बाहर की तरफ, मतलब ये जेंट्स एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब फुटपाथ टाइप सेटिंग है। और ये सब किचन वगैरह है, यहाँ इस तरफ किचन है इसका। ये इनका एक और पैक्ड एरिया है, इसी एरिया है जहाँ फैमिलीज़ वगैरह हैं। और ये इस तरफ इनकी पार्किंग है। तो हमने कराची से चलना है, जब आप कायदाबाद का फ्लाईओवर उतरेंगे तो उसके बाद अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स, स्टील टाउन से 10 किलोमीटर्स और है। तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या वैरायटी है, क्या वैरायटी नहीं है, तो हमारे साथ रहिएगा। ये इनका मेन्यू कार्ड है, इसमें क्या क्या मिल रहा है, ये रेट लिस्ट है भाई। ये रोल वाले आइटम है, वेजिटेबल आइटम है, ये बारबेक्यू आइटम है, चिकन टिक्का, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चरगा, मटन बोटी, सीख कबाब, बिहारी कबाब, मटन रिब्स, मटन के आइटम है, लाहौरी मटन चॉप्स, मलाई टिक्का। इसके अलावा मेन्यू तो काफ़ी इनका वसी और ईज़ है, अफगानी आइटम सारे, काबली पुलाव वगैरह, कढ़ाई के आइटम है, 5 तरह की कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, एक रेड, ग्रीन, वाइट और शाही। मटन में भी यही चारों वेरिएशन है, हांडी बोनलेस, सी फूड, चाइनीज आइटम। फास्ट फूड, ब्रोस्ट वगैरह, वरीन जगहों के ब्रोस्ट वगैरह आप ना ही खाएं तो अच्छा होगा। सारा फास्ट फूड आइटम है। रेट लिस्ट आप देख सकते हैं न्यू शिराज रेस्टोरेंट की, गुलशन हदीद। इस सेक्शन के लिए जो ख़ास चीज़ है वो आप ये जो रोगनी नान है इसका, ये आपने लाजमी ट्राई करना है। ये हमारा हॉट फेवरेट है और बहुत ही बेहतरीन और इंतहाई, मतलब ये कि घुल जाने वाला आइटम और बहुत ही बेहतरीन बना, ये आपने लाजमी ट्राई करना है। तो ये कढ़ाई के लिए गोश्त तैयार हो रहा है, लाइव कढ़ाई और बारबेक्यू वगैरह से चिकन और मटन वगैरह का गोश्त तैयार हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं लाइव। और ये इस तरफ जो है ये कढ़ाई वगैरह तैयार हो रही है। तंदूर है, रोटी वगैरह यहाँ तैयार हो रही है। सिटिंग एरिया भी है, पराठे सामने बन रहे हैं, काफी अच्छा सेटअप है, रौनकें लगी हुई खाने पीने की भाई। यहाँ देखते हैं क्या तैयार हो। दूर हूँ मैं। कढ़ाई बनते हुए आइटम प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे, मलाई टिक्का, मलाई बोटी वगैरह। सूटी चेक करें ज़रा, ले जी क्या चीज़ है, मटन रिप है, ये मटन रिप तैयार हो रही है कोयलों पर। सारा बोटी का आइटम है, ये इस तरफ आइटम है, कुछ कढ़ाई वगैरह, ये
चाइनीज़ आइटम तैयार हो, सारा चाइनीज़ आइटम तैयार हो रहा है, सॉस वगैरह चाइनीज़ में डलता है। ये देखिए इस खूबसूरती से भाई इसे प्रिपेयर कर रहे हैं चाइनीज़ राइस को। सारा किचन माशाल्लाह ओपन किचन है और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। तो मैं भी ऑर्डर किया है कुछ बारबेक्यू और चाइनीज़ आइटम, तो देखते हैं खाना वगैरह आता है तो उसकी भी आपको दिखाते हैं। अच्छे सेटिंग इससे स्पेस है, पीछे इनकी फैमिली स्पेस यहाँ पर बनी हुई है, ऊपर भी है, सिटिंग एरिया अच्छा बना हुआ है और फूड इनका काफ़ी अच्छा और बेहतरीन फूड है। ये देखिए गालबन हमारा फूड ही प्रिपेयर हो रहा है। चपटी कबाब के लिए चपटी कबाब का सेटअप है और ये भी सिटिंग एरिया है जो जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया। तो खाना मंगवा के देखते हैं क्या सेटअप है। तो भैया ये क्या मंगाया हमने? ये शाशलिक विद राइस, मंचूरियन विद राइस, सिजलिंग विजलिंग ये क्या आते हैं। अभी तक धमाके हो रहे हैं, अभी अभी चूल्हे से उतर गया है, धमाके हो रहे हैं इसमें। उफ अल्लाह, ये शॉशलिंग निकल रहा है भाई गरम गरम चाइनीज राइस के साथ।